अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। देवघर सूचना भवन के सभागार में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में देवघर एमओ और नगर निगम क्षेत्र के राशन डीलर मौजूद थे। इस बैठक में मुख्यतः तीन एजेंडे पर चर्चा किया गया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है कि हर किसी को अनाज मुहैया कराई जाए, इसके लिए विभाग की ओर से एक ऐप का निजात किया गया है जिसके जरिए अब नॉन पीडीएस वाले को भी राशन डीलर के पास से राशन मिल पाएगा। बात करने के दौरान एमओ ने कहा कि वैसे कार्डधारी को चिन्हित किया जा रहा है जो कई महीनों से अनाज का उठाव नहीं किए हैं। उनके कार्ड को रद्द करते हुए योग्य लाभुकों का कार्ड बनाया जाएगा। देवघर से कैमरामैन विकास के साथ गुड्डू झा की रिपोर्ट। ये प्रशिक्षण विभाग के द्वारा प्राप्त निर्देश, जिसमें हम लोगों का तीन चार एजेंडा है। पहला एजेंडा है कि नॉन पीडीएस एड का जो राशन पहले डीलर के द्वारा नहीं बंटता था, इस बार एक स्पेशल एड के जरिए विभागीय निर्देश में उनके डीलर के द्वारा ही बंटना है। तो उस डीलर का ऑनलाइन डिस्प्ले के लिए एक स्पेशल ऐप जो है, जो सभी के डीलर के मोबाइल पर हम लोग डाउनलोड एप्लीकेशन का पहला बिंदु यह है। दूसरा बिंदु यह है कि विभागीय निर्देश में ही मिला है कि जिन राशन कार्डधारियों का उठाव पिछले 6 महीने से नहीं हुआ है, उन कार्डधारियों को चिन्हित करके, डीलर वाइज हम लोग चिन्हित करके उनको विलोपित करेंगे और उनके बदले हम लोग उनकी जगह पर नए जो जरूरतमंद राशन कार्डधारी जो एप्लीकेंट हैं, जो आवेदक हैं, उनको हम लोग शामिल करेंगे।